सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो जियो सिनेमा का नया सब्सक्रिप्शन प्लान आने वाला है उसके बारे में, कि क्या उसकी वजह से आप लोगों को कुछ लाइक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एड्स का क्या सीन होने वाला है एंड प्रीमियम कंटेंट का क्या सीन रहने वाला है। इसके अलावा कुछ नए हिंदी डब कंटेंट भी आए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया, अगर सबसे पहले अपन जियो सिनेमा की बात कर लें तो आपको पता होगा कि पहले अभी वायकॉम 18 का मर्जर बताया जा रहा था कि स्टार इंडिया के साथ होने वाला है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड जियो सिनेमा के मर्जर की तो बात हो ही रही थी, लेकिन अभी उसको होने में एक साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। तो एज ऑफ नाउ जियो सिनेमा के ऊपर काफी सारे लोग को दिक्कतें आ रही थी कि इसमें बहुत ऐड देखने को मिलते थे लोगों को, तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई आपको कुछ अच्छे प्लान्स लाने चाहिए जिसमें लोग सब्सक्रिप्शन लेकर ये ऐड से छुटकारा पा जाए, जैसे आप लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलता था। कुछ वही सिमिलर पैटर्न अब आप लोग को जियो सिनेमा पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 25 अप्रैल से आप लोग को इनके जो नए प्लान है वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखो जो नए प्लान ये लोग लेकर आने वाले हैं, तो इसमें काफी सारे लोग की ये क्वेरीज थी कि क्या इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट को भी इन्वॉल्व करा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा रहता है कि अगर मंथली बेसिस पर लाइक सब्सक्रिप्शन रहेगा तो लोगों को जो शो देखना है उसको देखने के बाद वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी कर सकते हैं। एक साल का लेने में लोगों को थोड़ा वर्क नहीं लगता है, तो मेरा लगता है कि आप लोग कुछ मल्टीपल पैकेजेस देखने को मिलेंगे। कुछ रहेंगे इनके इंडियन कंटेंट को लेकर जिसमें आप लोग को एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, एंड शायद आप लोग को फिर प्रीमियम कंटेंट में जो एक साल का प्लान है उसके अलावा कुछ क्वार्टर प्लान्स भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसी अपडेट्स अभी करंटली आ रही हैं। बट यस, 25 अप्रैल से एक चीज तो चेंज हो जाएगी कि जिन लोग को भाई वेब सीरीज देखने में ढेर सारे एड्स देखने पड़ते थे तो उन लोग को अब वो एड्स देखने को नहीं मिलेंगे अगर वो लोग एक लाइक सब्सक्रिप्शन उनका परचेस कर लेंगे। तो अगर बात करें कि क्या इन सब्सक्रिप्शन के बाद आप लोग को जो नए शोज हैं वो रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, तो बताया तो यही जा रहा है कि इनके बाद ही अब आप लोग को जो जियो सिनेमा के बचे कुचे कंटेंट है जो कि उनके खुद के ओरिजिनल कंटेंट भी हैं वो सब रिलीज होते हुए देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज इससे जियो सिनेमा एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको प्रॉफिट हो सकता है। प्लस इसी के साथ ही जो प्रीमियम कंटेंट की हिंदी डबिंग है वो भी बताई जा रही है कि जैसे ही आईपीएल एंड होगा उसके बाद से ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि कोरियन शोज अभी लाइक थोड़े बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर ड्रॉप वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े कंटेंट है वो अभी करंटली होल्ड पर चल रहे हैं। मई लास्ट तक तो आईपीएल ही चलेगा एंड जून के मिड में जो हाउस ऑफ ड्रैगन है वो रिलीज हो जाएगी, तो वही लाइक सबसे पहला कंटेंट मेरे को लगता है आप लोग को जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर हिंदी में देखने को मिलने वाला है। हालांकि काफी सारे शोज की डबिंग के ऊपर काम चल रहा है, तो जैसे उनकी अपडेट हमको मिलेगी मैं आप लोग को बता दूंगा, बिकॉज कुछ अपडेट्स में पीस मेकर की भी हिंदी डब की बात चल रही थी। अगर बात करें नेक्स्ट लाइक हिंदी डब कंटेंट्स की, तो रिलीज में कुछ वेरियस लाइक मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनमें से अगर सबसे पहले बात कर लें नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली 2015 की मूवी रन ऑल नाइट का हिंदी वर्जन ड्रॉप कर दिया गया है। मूवी मेरे को अच्छी लगी है एंड मूवी की रेटिंग आप लोगों को 6.6 की देखने को मिलती है, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड ऐसे ही अभी काफी सारे और भी पुराने कंटेंट हैं जो आप लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगे, एंड इसकी अपडेट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। एंड इसी के साथ ही 26 मई को आप लोगों को नेटफ्लिक्स की एक नई मूवी जिसका नाम है एटलस, जिसके अंदर लीड रोल में आप लोगों को जेनिफर लोपेज देखने को मिलेंगी, वो भी रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी एंड इसको भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज करा जाएगा। इसके अलावा काफी सारे लोग रेबल मून के आर रेटेड वर्जन के बारे में मेरे से पूछ रहे थे। अब देखो इसके PG-13 वर्जन दोनों पार्ट के रिलीज हो गए हैं एंड दोनों को ही सिमिलर रिस्पॉन्स मिला है, मतलब कि ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो अभी गलती बताया जा रहा है कि आर रेटेड वर्जन आप लोग को जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। पहले अपडेट से आई थी कि अगस्त तक इसके आर रेटेड वर्जन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे एंड अब उसके ऊपर काफी सारे लाइक रिपोर्ट्स कंफर्मेशन भी दे रहे हैं, तो अगर सब कुछ सही रहा आप लोग को अगस्त के अंदर इसके जो आर रेटेड वर्जन है वो एक्सटेंडेड कट के साथ देखने को मिल जाएंगे। एंड वही मेक इट और ब्रेक इट होगा ये जो रेबल मून का यूनिवर्स जैक स्नाइडर क्रिएट कर रहे थे उसके मामले में, बिकॉज नेटफ्लिक्स ने काफी कुछ इन्वेस्ट करा था लेकिन उनको रिटर्न कुछ खास अच्छा नहीं मिला है। नेक्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई प्राइम वीडियो के ऊपर वेंजेंस नाम की जो मूवी है 8.9 रेटिंग के साथ वो हिंदी में लाइक रिलीज हो गई है, इसको आप लोग वीओडी के अंदर चेकआउट कर सकते हो, कुछ प्राइस आप लोग को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा भी काफी सारे मल्टीपल एनिमे कंटेंट है जो कि भाई क्रंची रोल के ऊपर अच्छी डबिंग के साथ हिंदी प्लस साउथ के लैंग्वेज में ड्रॉप करे गए हैं, तो आप लोग उधर जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। रिसेंट के टाइम में भाई क्रंची रोल भी हिंदी डब के अंदर काफी अच्छा काम कर रहा है, काफी तगड़े तगड़े एनिमे शोज आप लोग को उधर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, तो एक नई कैटेगरी भी इंडिया के अंदर इवॉल्व हो रही है। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो कि मैंने सोचा आप लोग को एक वीडियो के अंदर शेयर कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक लिटिल थैंक यू, बाय, पीस ऑफ।